बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अगर एरोप्लेन के इंजन में बर्ड चला गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एरोप्लेन के इंजन में अगर छोटा सा प्लास्टिक भी चला गया तो पूरी इंजन जो है वो बंद हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? एरोप्लेन के इंजन में कंप्रेसर, डिफ्यूजर, टर्बाइन, नोजल और कंबशन चेम्बर होते हैं, और ये पांचों जो चेम्बर होते हैं वो चेम्बर बहुत ही क्लोज बनाए जाते हैं एक दूसरे से। सिर्फ एयर का अलाउड होता है इस इंजन के अंदर, एयर के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा कोई चीज प्रॉब्लम है वो है बर्ड्स, क्योंकि बहुत बार बर्ड्स जो है वो एरोप्लेन के टर्बाइन्स में घुस जाते हैं और एरोप्लेन का इंजन बंद हो जाता है।